केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए विजय संकल्प शंखनाद रैली के लिए यहां आया हूं। प्रदेश की जनता ने भाजपा को 2014 में 11 में से 10 सीटें दी, 2019 में 11 में से 9 सीटें दी, इस बार 11 की 11 सीटें भाजपा को दीजिए। एक निकम्मी कांग्रेस सरकार जिसने नक्सलवाद पर नियंत्रण नहीं किया और करोड़ों के घोटाले किए, उन्हें प्रदेश की जनता ने सत्ता से हटा दिया। चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक नकारा सरकार जिन्होंने न नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर मेरी आभार कहना चाहता हूं।